एमबीए कोर्स कैसा है ऑस्ट्रेलिया में? बहुत अच्छा है, पर कई स्टूडेंट्स के लिए नहीं। जाना चाहोगे किसके लिए नहीं? आ जाओ देखो वीडियो पे। हाँ जी, तो आ गए थंबनेल और टाइटल पढ़ के। बिल्कुल सही किया। अगर आप में जरा सा भी कीड़ा है एमबीए करने का ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वीडियो तो आपके लिए मस्ट वॉच है। ये वीडियो देखे बिना मत आना ऑस्ट्रेलिया, खास करके अगर आपने एमबीए करनी है। आप में से कई लोग कहोगे, भाई साहब आप तो ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करते हो, आप क्यों मना कर रहे हो एमबीए करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में? बताते हैं, अभी पूरी वीडियो देखो एंड तक, पता लग जाएगा पूरा मसला क्या है। थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ कि हमारे कंट्रीज में होता क्या है। अब किसी स्टूडेंट ने मान लो कर लिया है बीकॉम या कर लिया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री बैचलर्स, तो उसका एंड भाई साहब एमबीए ही है। हम भी इसी चक्कर में थे थोड़े साल पहले, कैट शैट सब टेस्ट दे रखे हैं और मतलब सिस्टम फेल ही था अपना। तो अब मेरे को और कंट्रीज़ का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में सब स्टूडेंट्स जिसने भी बिजनेस डिग्री बैचलर्स कर ली, उसका एंड एमबीए ही है। और एमबीए मस्ट है अगर आपको कोई थोड़ी सी भी अच्छी जॉब चाहिए। अब हर स्टूडेंट एमबीए कर रहा है, ट्रेंड कई सालों से चल रहा है, अभी तक तो रुका नहीं है, ना ही रुकने का नाम ले रहा है। और हर स्टूडेंट जो भी हमसे पूछता है, वो पूछता है कि एमबीए कैसी है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है हमारे दूसरे इंग्लिश वाले चैनल पे भी। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे कि एमबीए किसके लिए सही नहीं है, ये किसके लिए सही है। तो मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में तीन तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। पहले स्टूडेंट्स तो वो हो गए जो, भाई साहब हमने आना है ऑस्ट्रेलिया, पढ़ना है, लिखना है, लर्न करना है और फिर घर वापस जाना है। घर वापस इसलिए जाना है कि उधर बिजनेस है या उधर सेट है, जॉब वगैरह सब, तो हमने आना है पढ़ने के लिए और पढ़ाई हमारा मेन मुद्दा है। तो आप लोग जी सद के आओ मेरे लाल, MBA इज़ अ वेरी गुड डिग्री फॉर यू। देन बहुत सारे अच्छे अच्छे बी स्कूल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको मेलबर्न बिजनेस स्कूल है, आपका सिडनी में अच्छा बिजनेस स्कूल है, उस न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, मोनैश यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनके बिजनेस स्कूल्स बहुत ही बढ़िया हैं। आप आओ, पढ़ो, लिखो, बनो नवाब और फिर घर वापस जाओ, कोई चक्कर नहीं है। और ये हुए पहले तरह के स्टूडेंट, तो इनके लिए MBA इज़ अ परफेक्ट फिट, कोई टेंशन नहीं है, करो। तो अब आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट के लिए। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो आते हैं जो आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनका अभी पूरी तरह से विचार क्लियर नहीं होता कि इधर ही ठहरना है डिग्री के बाद के वापस जाना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं ये कश्मकश में कि यार डिग्री कर लें, पहले एमबीए कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं वापस जाएंगे ठहरेंगे, ये अभी सोचा नहीं है क्या करना है। अभी तीसरे का भी बता देता हूँ। तीसरे टाइप के स्टूडेंट वो स्टूडेंट हो गए जो हैं कहते हैं, भाई साहब इस कंट्री से हमें बाहर तो निकाल दो, वापस नहीं आते, चाहे मून पे ना जाना पड़े इसके बाद, इधर नहीं आएंगे वापस। मतलब ये जो दो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी दो और तीन, अभी आप मुझे लिख के बता देना अगर चैट में कि कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते शेयर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं कि कैटेगरी एक, दो या तीन में से किस कैटेगरी में आप आते हो, तो ज़रूर लिखना। अब कैटेगरी दो और तीन में जो स्टूडेंट आ गए, उनको तो मैं जनरल MBA बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी विचार बना कि इधर ही ठहर लेंगे, मतलब सेटल हो जाएंगे या कुछ भी लगता है कि थोड़ा सा भी ऐसा चक्कर है, तो अगर आपने जनरल MBA कर ली तो मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन फाइंड करना और वो ऑक्यूपेशन ढूंढना जिसका स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नाम हो, वो मुश्किल है जनरल MBA के बाद। अगर आप किसी माइग्रेशन एजेंट से भी पूछोगे ना कि जनरल MBA का क्या स्कोप है, तो होपफुली आपको सही गाइड करेगा इस रास्ते में। नाउ अगर आप MBA करने का पूरा पूरा मन बना चुके हो कि मैंने किसी की नहीं सुननी, करनी आप MBA ही है बस, तू जितना मर्जी कह ले भाई कि MBA जनरल MBA मत ले, तो अगर आपने MBA करनी है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि MBA विद स्पेशलाइजेशन लेके आना, कोई जनरल MBA मत करना। स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया कि MBA जिसमें, जैसे मान लो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद अकाउंटिंग एज स्पेशलाइजेशन, तो उसमें फिर भी आपका थोड़ा बहुत स्कोप बन सकता है कि थोड़ा बहुत चांस, क्योंकि अकाउंटिंग एज एन अकाउंटेंट देर इज़ अ प्रोफेशन इन द स्किल्ड लिस्ट, सो यू मे हैव अ लिटिल बिट ऑफ कह सकते हैं कि होप, क्योंकि अकाउंटिंग का स्टूडेंट्स भी खुद शोर मचाते हैं कि बहुत मुश्किल हो रखा है। तो अगर आपका मन अटका हुआ है कि MBA ही करनी है, तो स्पेशलाइजेशन लेके आना, और स्पेशलाइजेशन भी वो जिसका ऑस्ट्रेलिया में स्कोप हो। अब स्कोप कैसे ढूंढना है, उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, प्लीज़ इसके बाद वो वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने पूरी डिटेल से समझा रखा है कि कैसे स्कोप ढूंढना है।
एक एक स्टेप बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी ना इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपकी बनती जरूर है देखनी। एक बात और, अब कई यूनिवर्सिटीज़ ने एक और चीज़ शुरू कर रखी है, उसका नाम है ड्यूअल डिग्री, जैसे कि MBA और MIT, जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ड्यूअल डिग्री इकट्ठी कर रखी है कई यूनिवर्सिटीज़ ने। तो आप पूछें यूनिवर्सिटी से कि ऐसी कोई ड्यूअल डिग्री है आपके यहाँ पे, ताकि आपका वो MBA का कीड़ा भी बना रहे और आपको थोड़ा सा होप और स्कोप बन जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेक श्योर कि आपकी जो MBA की डिग्री है ना वो 1.5 साल की ना हो, कम से कम वो 2 साल फुल टाइम स्टडी हो, क्योंकि फिर उसका फिर चक्कर पड़ने वाला है। अगर आपका 1.5 साल का है तो आपको फिर आधा साल कहीं और धक्के खाना पड़ेगा 2 ईयर फुल टाइम स्टडी कंप्लीट करने के लिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है अगर आपने कुछ और वीज़ा वगैरह डालना है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर MBA करनी ही करनी है। उसके अलावा MBA के अलावा भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई MBA इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि MBA इज़ द एंड। तो आप और कोर्सेज़ देखें डेफिनेटली, और बहुत सारे कोर्सेज़ में स्कोप बड़ा अच्छा है। और हम थोड़ा सा गलत करते हैं MBA को वैसे, अगर आप कोर्सेज़ MBA का करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़े साल अगर जॉब की हो ना उसके बाद MBA करो तो उसका मज़ा अलग है। जब मैंने मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की थी तब मैंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली प्रीटी मच अपनी मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की थी, तो मुझे लगा कि यार इतना मतलब ऊपर से निकल रहा था सौदा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा नहीं ज़्यादा। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें और फिर MBA करें मेरे हिसाब से तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। यूजुअली रेकमेंडेड है कि थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होना आपके पास तो उसके बाद MBA करो, तो पढ़ने का मज़ा अलग रहता है, तो समझ भी ज़्यादा आती है। क्योंकि मैं काफ़ी कोर्सेज करता रहता हूँ शॉर्ट कोर्सेज, तो जब मैंने एक्सपीरियंस के बाद अपने नए कोर्सेज किए थे तो फिर पता लगा कि भाई साहब इस स्टडी का मतलब तो है। वैसे हम जब सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं उस टाइम हमें समझ नहीं आता इतना, जब हमने वर्क एक्सपीरियंस भी कर लिया, थोड़ा सा नॉलेज भी हो गई काम पे कैसे करते हैं, तब इट मेक सेंस। होपफुली आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, और लाइक का बटन नहीं दबाया और शेयर का बटन नहीं दबाया और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो पाप बहुत ज़्यादा लगने वाला है। शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।